मंदी के कारण दुनिया भर में हाहाकार, ब्रिटेन अमेरिका पर महंगाई की मार। सिंगल डिजिट में महंगाई दर के साथ भारत बना दुनिया का ब्राइट स्पॉट। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर महाशक्तियां चित, भारत हिट। दुनिया भर में अमेरिका ब्रिटेन समेत बड़े बड़े देशों में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिटेन में देखने को मिला, जहां महंगाई और मंदी की वजह से प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। सिर्फ 45 दिनों के भीतर पीएम लिज ट्रस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस मुश्किल दौर में भी भारत की महंगाई दर कंट्रोल में है। आंकड़ों की माने तो ब्रिटेन में महंगाई साल 1982 के शुरुआती समय के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। जिस समय युद्ध और मंदी से दुनिया तबाह है, जिस वक्त महंगाई और मंदी से दुनिया डाबाडोल है, जिस वक्त महंगाई और मंदी से कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है, प्रधानमंत्री की कुर्सियां जा रही है, उस समय भारत मजबूती के साथ खड़ा है। यहां किसी तरह का कोई राजनीतिक या आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि मजबूत भारत दुनिया के अंधेरे में ब्राइट स्पॉट बना हुआ है। ये हम नहीं, दुनिया कह रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, ये IMF बता रहा है। दुनिया में 92 ऐसे देश हैं जहां साल भर से महंगाई और तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर प्रदर्शन जारी है। तो चलिए आज जानेंगे महंगाई के मोर्चे पर भारत दुनिया भर के देशों से कैसे बेहतर है। इस समय कनाडा, अमेरिका समेत ब्रिटेन की इकोनॉमी की हालत खराब है। IMF ने 2023 के लिए ब्रिटेन का विकास दर यानी कि GDP 0.3% पर रहने की संभावना जताई है, तो वहीं महंगाई 10.1% पर पहुंच गई है। वहीं 2023 के लिए भारत का GDP ग्रोथ 6.8% पर रहेगा। भारत में महंगाई दर इस समय मात्र 7.4% पर है। दुनिया भर में महंगाई दर में आग लगी हुई है, लेकिन भारत में अभी भी महंगाई सिंगल डिजिट में है। इस सितंबर भारत में GST कलेक्शन 1,47,686 करोड़ रुपए का हुआ है। ये GST कलेक्शन में 26% का जंप है। तो सोचिए इस संकट के दौर में भारत के लिए महंगाई कंट्रोल करना कितना मुश्किल होगा, जहां ब्रिटेन में PM को इस्तीफा तक देना पड़ गया। हालांकि आम आदमी को महंगाई और बढ़ती कीमतों के बोझ से राहत दिलाने के लिए मोदी सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में 8 रुपए और 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने इस साल PM उज्ज्वला योजना के करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को गैस सब्सिडी देने का भी फैसला किया। सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, आयरन, स्टील बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई। मोदी सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया। दिवाली से पहले सरकार ने 2023 से 24 सीजन के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को बढ़ाने की घोषणा की। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेला लॉन्च किया और प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना की तो IMF भी तारीफ कर चुका है। भारत के बीते सालों की महंगाई दर की बात करें तो भारत में 2009 में महंगाई दर 10.88 पर थी। ना तो उस समय यूक्रेन का युद्ध था और ना ही कोरोना का संकट। 2010 में यही दर बढ़कर 11.99 डबल डिजिट में तब्दील हो गई। 2011 में महंगाई दर 8.91% पर थी, तो वहीं 2012 में 9.48% पर। 2013 में महंगाई दर 10.02% पर हुआ करती थी, लेकिन 2018 से 19 में महंगाई दर घटकर 3.4% पर पहुंच गई। 2019 से 20 तक यही दर 4.8% पर गई। 2020 से 21 में कोरोना संकट काल में यह 6.3% पर रही और अभी ये दर 7.4% पर बना हुआ है। मोदी सरकार में महंगाई दर को देखें तो महंगाई दर एक बार भी डबल डिजिट में नहीं गई। जब दुनिया बदहाल है तब भारत महंगाई के मोर्चे पर दुनिया से काफी आगे है। ब्रिटेन में हालत इतनी खराब है कि कम आय वाले लोगों को एक समय का खाना तक छोड़ना पड़ रहा है। यानी भारत में महंगाई जरूर बढ़ी है, लेकिन भारत की स्थिति दूसरे देशों की तुलना में काफी बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।